झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में पूरे तेवर में दिखे। विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार के जवाब के क्रम में उन्होंने नाम लिए बिना भाजपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने भाजपा की पिछली सरकार को भ्रष्टाचारी, नालायक, सभी कुछ बना दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य को बद से बदतर बना दिया, अब जनता उनका शीघ्र पिंडदान भी करेगी। अभी भी बातें आती हैं, निबंधन कर्मी परेशान है, सरकार क्या कर रही है। ये सवाल सुनकर विगत वर्षों तक हमारे सहयोगी एन केन प्रकार सरकार में रहे अध्यक्ष महोदय, और साथ में एक उस समय बहुत जबरदस्त मुहावरा चलता था, डबल इंजन की सरकार थी अध्यक्ष। चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकते थे अध्यक्ष महोदय, और ये डबल इंजन की रफ्तार कितनी हो सकती थी आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन नतीजा क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विगत वर्षों में क्या किया अध्यक्ष महोदय, देश में कीर्तिमान इन लोगों ने साबित कर दिया अध्यक्ष महोदय। ऐसे ऐसे कार्य प्रदीप यादव जी ने पहले भी कहा कि देश में पहली बार आप सुने होंगे अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। बता रहे सभी चीजें बताएंगे अध्यक्ष महोदय। और तो और उन स्कूलों को बंद करके लोगों ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपया का उससे बचत किया जाएगा। आखिर वो 15,000 करोड़ रुपया बचा के आपने क्या किया भाई, जरा वो भी बता दीजिए। माननीय सदस्य, इन नालायकों ने क्या किया अध्यक्ष महोदय, कृषि सुधार के नाम पर। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, अमर जी सुधार के नाम पर इन लोगों ने कई बार इसराइल का सैर करके ये लोग घूम घाम करके आ गया अध्यक्ष महोदय।